प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की पत्रकार अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। ओनली फेवरेट पर्सन नाज़िया अली खान हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ, पाकिस्तान के लिए इंटरेस्टिंग और एक सोचने वाली चीज हो सकती है कि ऐसा क्यों किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आप आई और हमारे यहाँ पर राय रखेंगे अपनी। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। अनम, देखने में लग ही नहीं रहा है कि अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसे क्यों रहती हो भाई? वो ज्यादा मुझे त्यार श्यार और ये चीजें पसंद नहीं है। अक्सर वो मुजम्मिल भी मुझे कहता है कि घर में तेरे से ज्यादा गंदी कोई नहीं होती। नहीं, शादी हुई है तो थोड़ा दिखना चाहिए भाई, नई शादी हुई है। नेक्स्ट टाइम। अच्छा मैम, सवाल है, एक टॉपिक है जो कि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर काफी माहौल चेंज हो गया है, वुमेन्स के लिए फ्रीडम बहुत ज्यादा आ गया है। अब लोग वहाँ पे औरतें जो है वो आजादी से कहीं भी जा सकती हैं विदाउट अबाया, निकाब, हिजाब और कुछ भी कर सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी की जानेब एक और न्यूज आती है कि MBS ने ये जो चंदा, मतलब हम फंडिंग कह सकते हैं, जो कि मस्जिदों के लिए दी जाती थी, अब उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। वो कहते हैं कि अब यहाँ से जो है मस्जिदों के लिए फंडिंग नहीं दी जाएगी। ये क्या सच्चाई है इसके पीछे और क्या वजूहत है कि ये ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल सही है, और MBS ने जितने भी रिफॉर्मेशन अरब में लाए हैं, MBS ने जितने भी रिवॉल्यूशन अरब में लाए हैं, MBS ने जितने भी चेंजेस अरब में लाए हैं, वो आना चाहिए था। और लोग MBS के द्वारा किए हुए रिफॉर्मेशन को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। अभी देखिए, अरब से एक लड़की जो है वो मिस यूनिवर्स में जा रही है और उसने अपना फोटोशूट कैसे करवाया है? उसने अपना फोटोशूट करवाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बैनर को लेकर के। और आपके यहाँ जाहिल मौलाना लोग और जाहिल मुसलमान लोग, एक लड़की हलवा पहन करके निकल जा रही है तो उस अरबी का मतलब भी नहीं पता कि उसका मतलब खूबसूरत होता है, जिसको अरबी में हलवा कहते हैं। तो भाई, जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती है, जिसको अरबी समझनी नहीं आती है, जो कुरान बामायने नहीं पढ़ा हो, जो कुरान समझा ना हो, वो अपने आप को कैसे मुसलमान बोलेगा? वो तो मुसलमान हुआ ही नहीं। देखिए, रिफॉर्मेशन जो है वो कुरान में पहली बार जो है, कुरान पहली बार प्रिंट हुआ था 1939 में। इससे पहले कुरान कभी प्रिंट नहीं हुआ था। आप जो भी किताब लेकर के पढ़ रही हैं कुरान का, ये कभी प्रिंट नहीं हुआ था। ये पेड़ों पर, पत्तों पर, ओसों पर, कपड़ों पर, चमड़ों पर, ये इस पर लिखा जाता था। लेकिन और कहा जाता था कि भाई प्रिंट और पब्लिश जो है वो इस्लाम में हराम है, पर मौके की नजाकत को देखते हुए और अपनी जरूरत को देखते हुए रिफॉर्मेशन आया और पहली बार 1939 में कुरान को प्रिंट किया गया। हालांकि कुरान को जिस पन्नों पे प्रिंट किया गया, हो सकता है कि वो पन्ने इसराइल से आए होंगे, क्योंकि मुसलमान के अंदर तो ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मुसलमान जिस छुरी से अपना मर्द खतना करवाता है, वो छुरी आज तक नहीं बनाया है। जिस ब्लेड से अपना खतना करवाता है, वो ब्लेड आज तक नहीं बनाया है मुसलमान अपने से। जिस कैंची की जरूरत पड़ती है मुसलमानों को अपना अगाड़ और पिछाड़ साफ करने की, वो कैंची आज तक नहीं बनाया है मुसलमान पुरुष अपने हाथ से। तो कहां से पन्ना बना लेगा? तो कोई ठीक नहीं है कि इसराइल से आया होगा ये पन्ना। और उस पर 1939 में पहली बार कुरान को प्रिंट किया गया और हराम से हलाल बनाया गया कुरान को प्रिंट करना, पब्लिश करना। तो जब मौके की नजाकत को देखते हुए कुरान प्रिंट हो सकता है और हराम हलाल में बदल सकता है, तो उसी तरीके से अरब जो है वो रिफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। अब आती है बात कि भाई मदरसों में बनना क्या है? मुल्ला बनना है, मौलवी बनना है, खारी बनना है, इमाम बनना है, तो इसकी जिम्मेदारी अरब क्यों लेगा? अब पाकिस्तान मुल्ला बनाएगा, उसके बाद हाफिज सईद के पास भेजेगा, दाऊद इब्राहिम के पास भेजेगा,
अलकायदा के पास भेजेगा, लश्कर ए तैयबा के पास भेजेगा, अजमुल मुजाहिदीन के पास भेजेगा, तो अरब मतलब क्या कर रहा है? टेररिज्म फैक्ट्री बनाने का पैसा दे रहा है। अब अरब जो है वो भारत में भी मदरसों को पैसा भेजा करता था, लेकिन उसने मना कर दिया कि अब नहीं भेजेगा, क्योंकि भारत का विजन और भारत के प्रधानमंत्री का विजन ये है कि भाई आप मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़ें, आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, आप रोजा रखें, आप सब कुछ करें, लेकिन आपने शिक्षित होना है, आपको एडुकेट होना है, और एडुकेशन मदरसे के अंदर नहीं होती है, मदरसे के अंदर इस्लामिक तालीम होती है, दीनी तालीम होती है। तो इससे देखो एक चीज और भी होती है कि कल आज तुम्हारी शादी हुई है ना, कल तुम्हारा बच्चा होगा, तुम उस बच्चे को मदरसे में दीनी तालीम पढ़ने के लिए भेजोगी? मतलब तुम्हारे ऊपर तो लाना थे, फिर तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम अपने बच्चे को खुद अल्लाह के बारे में नहीं बता पा रही हो, खुद प्यारे रसूल के बारे में नहीं बता पा रही हो। नो डाउट आप इस्लामिक देश में रहती हैं, आपसे ज्यादा मुझे कुरान के बारे में पता है, आपसे ज्यादा मुझे हदीस के बारे में पता है, आपसे ज्यादा मुझे सही अल बुखारी के बारे में पता है, आपसे ज्यादा बहिश्ते ज़ेवर के बारे में मुझे पता है, आपसे ज्यादा साफ और शफाफ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अरबी को फारसी में ट्रांसलेट और फारसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट मैं कर दूंगी एक लाइन में। और देखिए भारत की सरकार मुल्ला बनाने के लिए नहीं बैठी है, भारत की सरकार खारी और मुफ्ती बनाने के लिए नहीं बैठी है। मैम अभी देखा ना कि यूपी के अंदर जो मदरसे थे उनको बैन किया गया और कहा कि जितने मदरसे के स्कूल के मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से निकाल के स्कूल भेजा जाएगा, तो ये भी एक बड़ा स्टेप लिया है इंडिया ने, भारत ने तो ये स्टेप ले लिया। हालांकि आसाम में भी 1288 मदरसे जो हैं वो तोड़े गए हैं और उसको मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत और लैविश मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे उसको हटा दिया गया है, नहीं, वही मदरसे के बच्चे अब स्कूल में पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंप्यूटर भी सीखेंगे। तो ये उनकी जिंदगी के लिए, ये उनके मुस्तकबिल के लिए, ये उनके आने वाले फ्यूचर के लिए ज्यादा बेटर हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश अहमदाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई संविधान होते हुए भी मदरसा एक्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और सरकार का काम तो मुल्ला बनाना है नहीं, सरकार का काम तो लुंगी पहनाना है नहीं, सरकार को ये नहीं, सरकार का काम ये बताना तो है नहीं कि भैया तुम जो लुंगी पहने हो उसके अंदर चड्डी भी पहन लो प्लीज, ये काम सरकार का तो नहीं है। तो ये जो मुसलमानों ने जो अपने आप को खुद बेइज्जत किया है, खुद बदनाम किया है, ये इनका प्रॉब्लम है। आज अरब इनको थूक रहा है, आज भारत के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को अरब थूक रहा है, तो इसमें किसी की क्या गलती है? हालांकि देखो भारत के मुसलमानों ने हमेशा भारत के हिंदुओं को हमेशा मलाइन किया है, हमेशा डिफेम किया है, और मैं अब फ्रंट में आकर के बोलती हूँ कि अब भारत के हिंदुओं को जागना पड़ेगा, अब भारत के हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि ये जितने भी लफंदर मुसलमान है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या जो मदरसे में पढ़ते हैं, या जो ये मुस्लिम स्कूलों में पढ़ते हैं, और खास करके मदरसे के लड़के, ये बड़े आतंकी दिमाग के होते हैं, क्योंकि उनको 4 साल 3 साल की उम्र से इनको बताया जाता है कि हिंदू काफिर है, ये बुत परस्त है, इसका डेड बॉडी जाए तो फिर नारे जहन्नम पढ़ो, इसको जहन्नम में फेंको। तो ये सारी चीजें जब बचपन से बच्चा सुनता तो उसके दिमाग में एक नफरत बैठ जाती है, और वो नफरत कभी बुरहान की तरह समझ में हमें नजर आता है, कभी याकूब मेमन की तरह हमें नजर आता है, कभी अजमल खसब की तरह हमें नजर आता है, तो कभी हाफिज सईद की तरह हमें नजर आता है। तो अब भारत को बुरहान की जरूरत नहीं है, अब भारत को याकूब मेमन की जरूरत नहीं है, भारत का विजन और फोकस बहुत क्लियर है कि भारत को भाई तरक्की करनी है। आप यूके चले जाइए मुसलमान बदनाम, आप ब्रिटेन चले जाइए मुसलमान बदनाम, आप लोग अरब चले जाइए आप बदनाम, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये है कि जब तक इनको दूसरे मजहब के लोग मिलते हैं ये उनको मारते काटते हैं, इनका नेचर ही मारने काटने का है मुसलमानों का। अच्छा मुसलमानों में आप देखिएगा, मुसलमान पुरुषों में अगर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई एक लड़की बहुत वोकल हो जाएगी, बहुत पढ़ी लिखी हो जाएगी, ये उसको भी नंगा करते रहते हैं, ये उसको भी बेइज्जत करते रहते हैं, एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई वो हम कलमा है, पढ़ लिए, लिख लिए, एक्सप्लोर कर रही है, अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही है, रहने देते हैं, नहीं। लेकिन इमाम बुखारी का बेटा जो इमाम है, नबी है जुबैर का, और जितने भी लफंदर जो बंदर छाप मुसलमान मर्द हैं
उसके पीछे जाके नमाज पढ़ लेते हैं जिसका जिसकी बहू हिंदू है। अब आप सोचो तो ये कितने बड़े गिरगिट है, ये कितने बड़े एहसान फरामोश है कि जिस देश में जाते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी देश में लोंगे उठा करके हक देते हैं। ये कितने बड़े एहसान फरामोश है। अब देखो बात ऐसी है कि मुझे कई बार मुझे मुसलमानों ने बहुत मतलब सभ्यता से भी समझाने की कोशिश की है कि आप जिस धर्म के पक्ष में बात कर रही हैं, जब आपकी जिंदगी में बहुत उतल पुतल आएगा तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे, मतलब सनातनी मेरी मदद नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा और ये मेरे साथ कल ही हुआ है, ये हादसा मेरे साथ कल ही हुआ है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अब मुझे आप ये एक बात बताइए कि मेरी जिंदगी में ये उथल पुथल लाएगा कौन, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो बेचारा चुप हो गया। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में ये उथल पुथल मुसलमान मर्द ही लाने वाले हैं। तो जब जिस मजहब में मैं पैदा हुई हूं वो मेरी जिंदगी में उथल पुथल लेकर आ रहा है, तो जिस मजहब को मैं पसंद करती हूं अगर वो मेरी मदद ना कर रहा है तो शिकायत किस बात की है, शिकवा किस बात का है, शिकायत तो किसी बात की रही नहीं है ना। अब आती है दूसरी बात अनम, कि हमारे भारत की संस्कृति जो है ना वो पहले शांति सिखाती है, और जब इस शांति की भाषा को मुसलमान नहीं समझेगा ना तब हम क्रांति पर बिलीव करते हैं। तो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, ये सारी चीजें भारत के जो धार्मिक किताबें हैं, जो जितने भी सनातन धर्मों की धार्मिक किताबें हैं, वो सब ने पहले शांति सिखाई है, सबसे पहले शांति सिखाई है, और उसके बाद तब फिर क्रांति सिखाई है जब सामने वाला बिल्कुल अड़ जाए और अपना दुम कुत्ते की तरह कर ले कि भैया हम तो मुसलमान पैदा हुए हैं, हम अड़े हुए हैं, हम तो औजार रखेंगे अपने पैंट के जिप में, हम तो जुबान से गाली देंगे ही, हम तो बलात्कार करेंगे ही, हम तो बम मारेंगे ही, मुसलमान तो बुरहान बनेगा ही, मुसलमान तो याकूब मेमन बनेगा ही, तब हम क्रांति वाली भाषा बताएंगे इनको कि क्रांति भी भारत की सभ्यता में है। बिल्कुल ऐसी है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी चीजें जो है मंजरी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा अनम शेख के सवालों का नाजी लाई खान जी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।